नमस्कार, एब्सोल्यूट स्पोकन इंग्लिश वर्धा में मैं प्रवीण सर आपका स्वागत करता हूँ। और आज हम शुरू कर रहे हैं सीरीज ऑफ प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें वो लोग भी गलतियाँ करते हैं जिनको इंग्लिश आती है, इसीलिए हम सभी प्रेपोजिशन को बहुत डिटेल में सीखने वाले हैं, क्योंकि प्रेपोजिशन इंग्लिश बोलने में और गवर्नमेंट जॉब की एग्जाम सॉल्व करने में बहुत काम में आता है। तो आज का हमारा पहला प्रेपोजिशन है ओवर। ओवर के आज हम चार मतलब देखने वाले हैं, चार सेंस में हम ओवर का इस्तेमाल करने वाले हैं। पहला के ऊपर, दूसरा से अधिक, तीसरा समाप्त और चौथा सभी ओर। तो हमारा पहला सेंटेंस है, हैंग अ पिक्चर ओवर अ टेबल, मतलब चित्र को टेबल के ऊपर टांग दो। अब टेबल के ऊपर टांग दो मतलब कैसे? ये पेन मेरे हाथ के ऊपर है, लेकिन इस पेन में और मेरे हाथ में कांटेक्ट नहीं है, ये पेन मेरे हाथ को टच कर नहीं रही है। तो जब भी कोई चीज किसी चीज के ऊपर तो है लेकिन दोनों में अंतर है, दोनों चीजें आपस में टच नहीं कर रही है, तब आप ओवर का इस्तेमाल करते हैं, ऑन का नहीं। इस तरह से है तो ऑन, इस तरह से है तो ओवर। तो हैंग अ पिक्चर ओवर अ टेबल मतलब चित्र को टेबल के ऊपर टांग दो। दूसरा, देयर इज अ फैन ओवर माय हेड मतलब मेरे सिर के ऊपर पंखा है, ऐसे नहीं, मैं घर में बैठकर हूं तो पंखा छत पर लगा हुआ है, मैं नीचे बैठा हूं, उस पंखे में और मेरे सिर में अंतर है, बस है ऊपर। तो मैं कहता हूं देयर इज अ फैन ओवर माय हेड, मेरे सिर के ऊपर पंखा है। नेक्स्ट, ओवर का दूसरा इस्तेमाल होता है से अधिक, से ज्यादा। देखिए, आई हैव ओवर 50 बुक्स मतलब मेरे पास 50 से ज्यादा, 50 से अधिक किताबें है। आई हैव ओवर 50 बुक्स मेरे पास 50 से ज्यादा किताबें है। नेक्स्ट, वी मेट ओवर 300 पीपल हम 300 से अधिक लोगों को मिले थे, हम 300 से ज्यादा लोगों को मिले थे। वी मेट ओवर 300 पीपल। अब ओवर का नेक्स्ट यूज है समाप्त या खत्म। द फूड इज ओवर मतलब खाना खत्म हो गया है, नहीं बचा, खत्म। द फूड इज ओवर खाना खत्म हो गया है। नेक्स्ट, द मूवी इज नॉट ओवर एट, द मूवी इज नॉट ओवर एट मतलब मूवी अब तक खत्म नहीं हुई है। एक डायलॉग है शाहरुख खान का, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, तो उसके लिए भी आप कह सकते हैं द मूवी इज नॉट ओवर इट, मूवी अब तक खत्म नहीं हुई है। नेक्स्ट, एवरीवन नोज धोनी ऑल ओवर इंडिया। अब ओवर का एक और मतलब होता है सभी ओर, सर्वत्र, चारों ओर। तो हम कह रहे हैं एवरीवन नोज धोनी ऑल ओवर इंडिया मतलब हर कोई पूरे भारत में धोनी को जानता है, हर कोई पूरे भारत में धोनी को जानता है। ऑल ओवर इंडिया मतलब भारत में सभी ओर या पूरे भारत में। तो हम कह रहे हैं एवरीवन नोज धोनी ऑल ओवर इंडिया मतलब पूरे भारत में हर कोई धोनी को जानता है। नेक्स्ट, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंग्लिश पूरी दुनिया में बोली जाती है, इंग्लिश पूरी दुनिया में बोली जाती है, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। और ओवर के सिर्फ इतने मतलब नहीं है, और भी है जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं, इसीलिए वो वीडियो आपको गलती से भी मिस नहीं करनी है, इसीलिए इस चैनल को आप अभी के अभी
सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम सीखने वाले हैं सभी प्रीपोजिशन डिटेल में। थैंक यू सो मच।